चीज क्या चीज? एलन वाले आज अपने स्कूल में एंट्रेंस हाँ एग्जाम लिया एलन वाले हाँ अच्छे अच्छे क्वेश्चन पे करना चाहिए लेकिन टाइम नहीं मिला हमें क्योंकि लेट पड़ गया क्लास में। हम गए थे ऊपर ऑप्शनल में किराया नहीं ये जा रहे थे फिजिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन थे केमिस्ट्री तो मतलब इजी सी केमिस्ट्री था हाँ कौन सा थोड़ा पड़ेगा पहले फिजिक्स फ्लो है तो देखिए ठीक है। ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन क्या होता है? अगर आपके पास दो पॉइंट मास है, सपोज ये M1 है और M2 है, एंड दे आर सेपरेटेड विद सेपरेशन R, इनके बीच का जो सेपरेशन है वो क्या है? R है। तो इनके बीच में हमेशा एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक्ट करता है ना। ये दोनों मास एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। M2 M1 को अट्रैक्ट करेगा, मतलब ये जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो किधर की तरफ होगा? M2 की तरफ होगा, है ना। M2 इसको क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। और जो M1 M2 पे लगा रहा है उसका भी डायरेक्शन क्या होगा? टुवर्ड द M1 होगा। तो ये फोर्स का डायरेक्शन, इसे कहेंगे फोर्स ऑन पार्टिकल वन, है ना। वन पे फोर्स किसके द्वारा? पार्टिकल टू के द्वारा, एफ वन टू कहते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं? एफ फोर्स ऑन टू अप्लाइड बाई पार्टिकल वन वन, ठीक है। तो जो एफ वन टू है ना, अब एफ वन टू के बारे में देखिए क्या क्या है। जो एफ वन टू है, एफ टू वन है, ये दोनों का डायरेक्शन क्या है? जस्ट अपोजिट है। अब आपको जानना क्या है कि ये जो फोर्स होता है ये सेंट्रल फोर्स होता है। सेंट्रल फोर्स का मतलब कि जब भी हम पॉइंट मास को ज्वाइन करेंगे तो जो ज्वाइनिंग लाइन होगी इस फोर्स की डायरेक्शन अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग रहेगा, ठीक है। इससे कहीं आड़े तिरछे पे नहीं रहेगा, किसी एंगल पे नहीं रहेगा, हमेशा लाइन ज्वाइनिंग पे रहेगा। और फोर्स क्या होता है? हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है। तो हम क्या कहेंगे? जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज क्या है? अट्रैक्टिव इन नेचर, ठीक है, ये अट्रैक्टिव होता है, ठीक है। दूसरा बात क्या है कि ये सेंट्रल फोर्स होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स इज ए सेंट्रल फोर्स होता है। ये बात समझ आ गया? इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉइंट मास है उनको जो ज्वाइन करने वाली लाइन होगी उसी के अलोंग काम करेगा ये, ठीक है। दैट मीन्स इट एक्ट अलोंग लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट मास। तीसरी बात क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में? ये हमेशा कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इसका मतलब कि जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट आपने काम किया, आपने कोई एनर्जी इन्वेस्ट करी, तो वो एनर्जी वापस आप रीयूज कर सकते हो। लेकिन ये काम फ्रिक्शन फोर्स के अगेंस्ट करोगे तो फ्रिक्शन आपके एनर्जी को नॉन मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। मैकेनिकल एनर्जी का मतलब क्या हुआ? काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। तो ये आपका काइनेटिक और पोटेंशियल के फॉर्म में स्टोर करके रखेगा, है ना, जब भी आप ग्रेविटेशनल फोर्स के अगेंस्ट काम करोगे। तो हम क्या लिखेंगे? ग्रेविटेशनल फोर्स आर कंजर्वेटिव इन नेचर, इसका मतलब ये हुआ कि कंजर्वेटिव फोर्स का मतलब हुआ कि मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट रहेगी, पहली बात। दूसरी बात कि जब भी आप क्लोज पाथ पे काम करोगे, है ना, एक पॉइंट से चलोगे या दूसरे पॉइंट तक आओगे, वो पॉइंट क्लोज पाथ होगा। जैसे मान लीजिए कि आप इस पॉइंट से चले और इस पॉइंट से आप वर्क करते करते अगेंस्ट द ग्रेविटी करते 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 वापस यहीं पे आ गए, तो जो टोटल वर्क डन होगा वो क्या हो जाएगा?
जीरो। तो जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स होता है तो उसके फोर्स फील्ड में अगर हम किसी क्लोज पाथ पे चलते हैं तो वर्क ऑलवेज क्या होता है, जीरो होता है। लेकिन ध्यान रहे अगर नॉन कंजर्वेटिव है तो ये क्लोज पाथ पे आपको वर्क करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए आप घर से बाइक लेके निकले, जब बाइक लेके घर से आप निकले हैं और वापस घर पे जाएंगे तो आपका पेट्रोल खर्च होगा। क्यों? क्योंकि लगातार वर्क करता रहा आपका बाइक, वर्क करती रही या इंजन वर्क करता रहा अगेंस्ट द फ्रिक्शन। तो क्लोज पाथ पे आप चले, घर से चले, घर को पहुंचे, आप क्लोज पाथ पे चले, लेकिन चूंकि फोर्स कंजर्वेटिव नहीं था इसीलिए आपका पेट्रोल खर्च हुआ, आपका पैसा खर्च हुआ, है ना, क्योंकि पेट्रोल खर्च होता रहा ओवरकेम करने में नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगातार काम करता रहा क्लोज पाथ पे, है ना। तो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ऑलवेज वर्क करता है किसी भी पाथ पे, है ना, चाहे वो क्लोज हो या ना हो। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स के साथ लाइबिलिटी क्या है कि अगर क्लोज पाथ पे चलेंगे तो आपको नेटवर्क क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक, ये सारी बातें आगे चल के पोटेंशियल में मायने रखेंगी, लेकिन अभी पॉइंटर बता दे रहे हैं, ठीक है, जो आपको आगे चल के काम दे। ठीक है, अब देखिए ये जो फोर्स होता है, अब इसका मैग्नीट्यूड जो F12 है, F21 है, ठीक है, ये इनके मैग्नीट्यूड अगर इन्हें वेक्टर से दिखाएं तो इनके मैग्नीट्यूड तो बराबर, ये ऐसा बराबर नहीं होंगे, ये बात समझ में आया ना। क्यों? क्योंकि दोनों वेक्टर्स हैं और वेक्टर्स हैं फोर्स, क्योंकि वेक्टर होता है, दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा, 180 डिग्री होगा। तो इक्वल क्या होगा, इक्वल होगा इनके मैग्नीट्यूड, F12 का जो मैग्नीट्यूड है और जो F21 का मैग्नीट्यूड है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे, ये इक्वल होंगे, जबकि एग्जैक्ट फोर्स इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, एक बात और कह सकते हैं, ये आप एक पॉइंट और ये नोट कर सकते हैं। दूसरा काम कह सकते हैं आप कि जो आपके पास ये फोर्स है, अगर ये मैग्नीट्यूड मान लीजिए F मान लेते हैं, से F है, तो जो ये फोर्स F हो गया, मैग्नीट्यूड F हो गया, चाहे इसकी बात करें चाहे उसकी बात करें, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब कि जैसे हम अर्थ पे खड़े हैं, हमारा अगर वेट मान लीजिए 40 kgf है या 60 kgf है, 80 kgf है, यही तो वेट होगा, kgf कह रहे हैं। अगर हमारा मास 80 kg है तो हमारा वेट कितना हो जाएगा, 80 kg फोर्स, या g की वैल्यू अगर हम 10 ले लेते हैं तो 800 न्यूटन हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि अर्थ हमारे पर 800 न्यूटन का फोर्स लगा रही है, साइमल्टेनियसली हम भी अर्थ पे 800 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि ये दोनों क्या होते हैं, एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं, साइज पे मैटर नहीं करता है कौन छोटा है कौन बड़ा है। अगर कोई छोटा वाला बड़े पे 10 न्यूटन का फोर्स लगाता है तो बड़ा वाला भी छोटे पे क्या लगाएगा, 10 का ही लगाएगा, ज्यादा नहीं लगाएगा, क्योंकि ये एक्शन रिएक्शन पेयर होते हैं। इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होते हैं और डायरेक्शन में क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं। ठीक है, तो एक पॉइंट ये हो गया। और दूसरा पॉइंट आप कह सकते हो कि अगर F12 को आप ये कहो, जो F12 है वो माइनस टाइम्स क्या हो जाएगा, F21 हो जाएगा। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि डायरेक्शन अपोजिट था, तो माइनस लगाने से सेम डायरेक्शन हो जाएगा फिर से, ये बात समझ में आया ना। तो ये आपके सारे पॉइंट्स हो गए। अब बात हम क्वांटिटी, ये क्वालिटेटिव थी बातें, है ना, कि क्या क्या क्वालिटेटिव बातें आपको याद रखनी है। अब बात करेंगे हम लोग क्वांटिटेटिव की, मतलब कि फोर्स की क्वांटिटी कैसे कैलकुलेट करी जाएगी, कितने अमाउंट का फोर्स है। ठीक, तो मान लीजिए हम मिटा देते हैं ये, अब देखिए इन दोनों फोर्सेस को, चाहे F21 हो या F12 हो, इन दोनों फोर्सेस को हम मान लेते हैं F, इनके मैग्नीट्यूड को F21 का जो मैग्नीट्यूड है या फिर हम F12 का मैग्नीट्यूड है, इस मैग्नीट्यूड को हम मान लेते हैं से F, क्योंकि दोनों बराबर होगा मैग्नीट्यूड में, डायरेक्शन में अपोजिट होगा, तो हम कहेंगे जो ये F फोर्स होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, M1 into M2 के, ये क्लास 9th में बता दिया जाता है आपको। दूसरा काम क्या होता है, ये इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है, मतलब आर स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, ये दो बात है ना। इसका मतलब कि अगर इन दोनों को कंबाइन किया जाए, दोनों इफेक्ट्स को, तो हम क्या कहेंगे, एफ हो जाएगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 अपॉन क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर। अच्छा, ये ध्यान रहे कि हम जब कहते हैं, ठीक है,
तो देखिए इसका मतलब कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M1 और M2 बाई R स्क्वायर के। हमने ये कहा कि जब भी हम F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M1 M2 कहते हैं, इसका मतलब ये है कि हमने दोनों पॉइंट के बीच में, जो अगर ये पॉइंट मास है और ये पॉइंट मास है, तो इनके बीच में सेपरेशन फिक्स कर दी हमने, इसको नहीं बदल रहे हैं। हम बदल क्या रहे हैं, यहाँ पे मास बदल रहे हैं, अलग अलग बदल, कहीं कभी यहाँ 1 kg, 2 kg, 5 kg, 6 kg, लेकिन ये सेपरेशन नहीं बदल रहे हैं कि यहाँ पे, ये कहने का मतलब, इसका मतलब R क्या है, फॉर गिवेन R, यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, फॉर गिवेन सेपरेशन R लिखे, या फिर क्या लिखे, सेपरेशन। जब हम कहते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वहां पे हमें पता होता है कि सेपरेशन क्या है, फिक्स्ड है, गिवन है, है ना, वो नहीं बदल रहे हैं हम। और अगर ये कह रहे हैं, सेकेंड पॉइंट कह रहे हैं, इसका मतलब कि हम मासेस नहीं बदल रहे हैं, दोनों प्रोडक्ट ऑफ मास क्या है, कांस्टेंट है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, फॉर गिवन प्रोडक्ट ऑफ मास, फॉर गिवन प्रोडक्ट ऑफ मास। ये बात समझ में आया क्या? तो जब भी ये इंडिविजुअल चीजें बोलते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा टर्म या कौन सा कांस्टेंट कांस्टेंट है। तो यहाँ पे क्या कांस्टेंट था, सेपरेशन कांस्टेंट था। और जब आप कहते हो इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे कर रहा है, इसका मतलब आपने जो मास ले रखे हैं, दोनों पेयर ऑफ मास का जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट है ना। तो हम कहेंगे अगर दोनों चीजें वेरी कर दें तब हम क्या लगाना पड़ेगा, हमें F directly proportional to M1 M2 upon R square लगाना पड़ेगा। इसका मतलब F equals to क्या हो जाएगा? F equals to हो जाएगा G M1 M2 upon क्या हो जाएगा? R square हो जाएगा। तो that is the gravitational force, ठीक है, acting between two masses, है ना, M1 and M2। अब यहाँ पे क्या इंपॉर्टेंट बात थी, ये तो हम लोग फॉर्मुला इस्तेमाल करेंगे, अभी देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस पे देखेंगे, लेकिन अब जी की यूनिट की बात करी जाती है। जी क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कहते हैं। यूनिवर्सल क्यों कहते हैं, हाँ इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर दो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, बहुत बड़े बड़े पार्टिकल है, उनके बीच में भी जब फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यही कांस्टेंट इस्तेमाल करेंगे। अगर दो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, उनके बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मान लो दो प्रोटॉन ले लिए, एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन ले लिए, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन ले लिए, ये माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल है, तो उनके बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करेंगे तभी यही जी यूज होगा। और अगर हम अर्थ को ले लिए माइक्रोस्कोपिक, और हमने इलेक्ट्रॉन को ले लिया माइक्रोस्कोपिक, तब भी उनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम इस्तेमाल करेंगे तो यही इस्तेमाल होगा, कैपिटल जी। इसका मतलब कैपिटल जी साइज पे डिपेंड नहीं करता है कि बड़ी साइज के लिए अलग ले ले, छोटी साइज के अलग, इसीलिए इसे कहते हैं यूनिवर्सल। ये बात समझ में है ना, कि यूनिवर्स की कोई भी चीज हो, वेदर दोनों माइक्रोस्कोपिक हो या फिर माइक्रोस्कोपिक हो, या एक माइक्रो हो, सबके लिए सिंगल कॉन्स्टेंट यूज होगा, दैट्स वाई दैट इज कॉल्ड द यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। ये बात समझ में आ गया, तो जी इज अ यूनिवर्सल कॉन्स्टेंट। अब जी की यूनिट और डायमेंशन पूछा जाता है, ठीक है, तो जी का यूनिट अगर लिखना है तो यहां से आप जी को सब्जेक्ट बनाइए, ठीक है, तो यहां पे लिखते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ जी, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, दैट मींस यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल, तो यहां पे यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, तो कैपिटल जी को हम सब्जेक्ट बना लें, क्या हो जाएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन एम वन M2। अब बात हम यूनिट की करें, मतलब SI यूनिट की बात कर लेते हैं ना, तो हम कहेंगे G की यूनिट जो हो जाएगी यूनिट ऑफ कैपिटल G, क्या हो जाएगा, यूनिट ऑफ F मतलब न्यूटन, ठीक है, R R मीटर होता है लेकिन स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर अपॉन kg, और kg क्या हो जाएगा, kg का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका क्या, यूनिट हो गया जी का। अब डायमेंशन की बात करते हैं, तो डायमेंशन क्या हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी, तो क्या हो जाएगा, देखिए जी का डायमेंशन, दैट मींस डायमेंशन ऑफ फोर्स अपॉन, सर इधर जो लिख रहे हैं थोड़ा लाइट चमक रहा है, अच्छा इधर लिख दे रहा है, फिर देखो, तो डायमेंशन ऑफ जी हो जाएगा, दैट इज एफ का डायमेंशन और आर के डायमेंशन का स्क्वायर है,
अपॉन एम वन का डायमेंशन क्या है और एम टू का डायमेंशन क्या है। अब हम लोग जानते हैं फोर्स का डायमेंशन क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है। तो एम एल टी माइनस टू होता है। आर एक लेंथ है, मतलब एल और स्क्वायर है उसका, तो एल स्क्वायर हो जाएगा। एम वन भी मास है तो एम होगा, एम टू भी मास ही है तो डायमेंशन तो सेम रहेगा। तो क्या आने वाला है फाइनल, ये आ जाएगा एम की पावर टू, ऊपर जाके वन, क्या हो जाएगा एम की पावर माइनस वन, एल की पावर थ्री हो जाएगा और टी की पावर माइनस टू रहेगा। ठीक, तो दैट इज द डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो दो पेट क्वेश्चन होते हैं मास का पूछा जाता है, हम लोग बोर्ड के हिसाब से कर लेंगे। ठीक, अब एक क्वेश्चन लिखो, ये हो गया ना, क्वेश्चन लिखो। इफ टू बॉडीज, इफ टू बॉडीज ऑफ मासेस 4m, 4m एंड 9m आर सेपरेटेड बाई, आर सेपरेटेड बाई 10 meter, वेयर शुड बी प्लेस्ड ए थर्ड मास m सो दैट थर्ड मास m so that it will experience no force. ठीक है, अब देखिए हम लोगों के पास दो मास दे रखा है, कौन कौन सा मास है, 4m और 9m। ठीक है, अब ये डिसीजन लेना सीखिए। जैसे मान लीजिए कि हमने कह दिया कि यहाँ पे हमने ये लाइन ड्रॉ कर दिया और हमने कहा कि यहाँ पे हमने 4m रख दिया और यहाँ पे क्या है हमारा 9m है, सपोज 9m है। अब ये सपोज पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, और अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो सपोज इसे एक्स कह दिया, ये ए एक्स सेगमेंट हो गया और ये बी वाई सेगमेंट हो गया, सपोज ये बी वाई सेगमेंट हो गया। अब देयर आर थ्री डिफरेंट लोकेशंस, जो पॉइंट एम को रखना है हमें, या तो हम ए एक्स सेगमेंट पे कहीं रखेंगे, है कि नहीं, जो काम हमें करना है कि उसके ऊपर नेट फोर्स जीरो, या फिर हम ए बी वाले सेगमेंट पे रखेंगे, या फिर हम कहा रखेंगे बी वाई सेगमेंट पे रखेंगे। यही तीन लोकेशन है ना, कि कहीं यहाँ पे रखेंगे जिससे उसके ऊपर नेट फोर्स जो एक्ट करेगा ड्यू टू 4m और 9m वो क्या होगा, जीरो होगा। चलिए टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए इस लोकेशन पे रखते हैं m को, तो बताइए ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में, और वो वाला भी अट्रैक्ट करेगा इसी डायरेक्शन में। अब दोनों फोर्स की डायरेक्शन सेम हो गई, तो बताओ क्या ये आपस में कैंसिल कर सकते हैं, नहीं। दो फोर्स को अगर आपस में कैंसिल करना है, एटलीस्ट डायरेक्शन उनकी क्या होनी चाहिए, अपोजिट होनी चाहिए। इसका मतलब ax वो लोकेशन नहीं हो सकती है जहां मास m को प्लेस करना है। तो ये हमने क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। अब इस साइड में आ जाओ, इस साइड में अगर देखा जाए तो देखो 9m वाला भी अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि फोर्स ऑलवेज क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्टिव नेचर का होता है, और वो 4m वाला भी क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। यहां भी सेम डायरेक्शन हो गई, मतलब ये भी रीजन क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। इसका मतलब सर्टेन है कि उस मास m को कहां लोकेट करने वाले हैं, a और b के बीच में लोकेट करने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा क्वालिटेटिव सोचते हैं कि अगर मान लो ये स्ट्रांग है मास, है ना, तो m into 9m प्रोडक्ट ऑफ मास बढ़ जाएगा, मतलब ये ज्यादा फोर्स लगाने वाला है, हैवी मास है। इसका मतलब कि अगर समझौता होना है तो कमजोर वाले के पास होगा, इसके घर में घुस के मारेगा एक तरह से, है ना। तो हम कहेंगे कि मिड पॉइंट से थोड़ा इधर ही कहीं ना कहीं रखना पड़ेगा, है ना। हालांकि तुम मान लो से कोई मतलब नहीं है, गलती तब होती जब तुम पॉइंट मास को इधर कहीं प्लेस करते हैं, इधर कहीं प्लेस करते हैं, वो हमने बता दिया रिजेक्ट कैसे करते हैं,
है ना। अब यहाँ पे हमने रख दिया किसी एम पे, अब हमने कह दिया इस पॉइंट पे रख दिया, तो भाई इस पॉइंट की लोकेशन कहीं से तो किसी को तो रेफरेंस बनाएंगे। तो हमने कहा कि यहां से सपोज एक्स डिस्टेंस पे या डी डिस्टेंस पे, कितना डिस्टेंस पे डी पे, और टोटल डिस्टेंस 10 मीटर दिया गया था, है ना। इसका मतलब बी से डिस्टेंस क्या हो गया, दैट इज 10 माइनस डी, ठीक है। अब हम कहेंगे इस पे दो लोग फोर्स लगा रहे हैं, एक ये 4m वाला लगा रहा है जो अपनी तरफ लगाएगा क्योंकि अट्रैक्टिव नेचर का होता है, तो हम कहेंगे ये फोर्स है से F1 कह रहे हैं, देखो F1 कह रहे हैं, क्या कह दिया हमने F1, और ये किधर लगाएगा, अपनी तरफ लगाएगा, ये भी क्या कह दिया हमने F2 कह दिया। अब बताओ हमारे हिसाब से अगर जीरो फोर्स रहना है तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, हम एक और सियोरिटी दे दें कि इनके मैग्नीट्यूड भी क्या हो गए बराबर हो गए, तो हम कहेंगे फॉर जीरो फोर्स F1 किसके इक्वल होना चाहिए, F2 के इक्वल होना चाहिए, मतलब इनके मैग्नीट्यूड क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए, और डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है। अब F1 कैसे निकालेंगे कि इनके पेयर ऑफ फोर्स, इन दोनों के बीच में फोर्स है, मतलब जी प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब 4m × m अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द मासेस डी स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F2, मतलब इनके प्रोडक्ट ऑफ मासेस g m × 9m अपॉन क्या हो जाएगा 10 माइनस डी का होल स्क्वायर। अब बहुत कुछ कट गया, क्या क्या कटा, ये m कट गया, एक m, ये भी m कट गया, g से g कट गया, क्या बचा, इसको इधर लाओ और 4 को उधर ले जाओ, है ना, थोड़ा स्मार्ट कैलकुलेशन करो, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस डी अपॉन डी का होल स्क्वायर, ऐसे लिख दे, कोई दिक्कत, इधर क्या हो जाएगा 9 अपॉन 4, अब इस ये स्क्वायर उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, क्या जाएगा 3/2, और ये क्या हो जाएगा 10/d, है ना, 10/d और -1, d/d -1, और उधर जाएगा क्या हो जाएगा +1, तो बताओ कितना आ गया, ये आ गया हमारा 5/2, तो 5/2 ये 10/d है, क्या d आ गया, तो d हमारा जो आ गया दैट इज 20/5, मतलब या 5×2=4 मीटर आ गया। लेकिन इतना लिख के खुश नहीं हो जाना है, हमें ये बात लिखना है कि मास m की जो लोकेशन होगी 4 मीटर फ्रॉम 4m एंड 6 मीटर फ्रॉम 9m, ये पूरा आंसर कोट करेंगे, ये बात समझ आ गया ना, नोट कर लो। तो लिखो मास M1 एंड M2, टू मास M1 एंड M2 सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस वेयर शुड प्लेस ए मास M, वेयर शुड प्लेस a mass m so that it does not experience any force, confidence रहेगा, देखने रहे तुम, देखो इसका मतलब हमने ये कहा कि कहां मास m रखा जाए, सपोज हमने कहीं किसी पॉइंट पे रख दिया, हमने ये हमारा कोई पॉइंट p हो गया, है ना, और इस पॉइंट पे एम मास रख दिया, इसके सिवा और कोई लोकेशन हो नहीं सकती है, क्योंकि अगर लाइन के इस पार्ट में आएंगे तो दोनों अट्रैक्ट कर रहे होंगे, मतलब ये दोनों भी वेक्टर्स आपस में कैंसिल नहीं करने वाले हैं, लाइन के इस पार्ट में आएंगे तब भी दोनों आपस में कैंसिल नहीं करने वाले हैं। और किसी ने सोचा अरे हम ऊपर चले जाए, ऊपर जाके देखें, तो चले ऊपर चले जाओ, अगर ऊपर चले जाते हैं तो ये क्या करेगा इधर लगाएगा, और ये क्या करेगा ये इधर लगाएगा, है ना, सेंट्रल फोर्स होगा, तो ये तो बिल्कुल नहीं कैंसिल होने वाले हैं, ये बात समझ में है ना, इनका डायरेक्शन कभी अपोजिट हो ही नहीं सकता है, इसका मतलब ना तो ऊपर ना तो नीचे, ना उधर ना इधर, है ना, सिर्फ लाइन सेगमेंट AB पे वो न्यूट्रल पॉइंट या नल पॉइंट एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, जहां पे नेट फोर्स क्या होने वाला है जीरो होने वाला है, ठीक। इसका मतलब कि हमने मान लिया A से वो कुछ x डिस्टेंस पे है, इसका मतलब ये जो फोर्स F1 लगा रहा है
और ये क्या लगा रहा है, F2 लगा रहा है, तो डायरेक्शन तो अपोजिट है ही है, हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड की इनसियोरिटी देनी है, है ना, श्योर कर दिया हमने मैग्नीट्यूड बराबर हो जाए तो डायरेक्शन अपोजिट कैंसिल हो जाएगा, जी क्या हो जाएगा एम वन एम अपॉन एक्स स्क्वायर इक्व टू जी एम टू एम अपॉन डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ये जी एम का क्या हो गया कैंसिल हो गया, अब इधर ले आइए तो डी माइनस एक्स अपॉन एक्स का क्या लिख दे हम लोग होल स्क्वायर इक्व टू क्या हो जाएगा एम टू बाई एम वन होगा, अब देखिए होल स्क्वायर इधर वाला इधर ले जाए सीधे और ये अलग अलग कर लीजिए तो क्या हो जाएगा डी बाई एक्स माइनस वन उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा हाँ रूट एम टू बाई एम वन और प्लस क्या हो जाएगा, अब हमें x निकालना है तो इससे एलसीएम ले लीजिए पहले अलग अलग करके, तो रूट एम टू अपॉन रूट एम वन प्लस वन एलसीएम ले लेंगे तो इसके नीचे वन है ना क्रॉस मल्टीप्लाई होगा क्या आ जाएगा दैट कम्स आउट टू बी रूट एम टू और प्लस रूट एम वन अपॉन क्या हो जाएगा रूट एम वन, ये क्या हो गया आपका डी बाई एक्स हो गया, दोनों तरफ क्या कर दीजिए रेसिप्रोकेट कर दीजिए नीचे का ऊपर ऊपर के नीचे तो क्या हो जाएगा x अपॉन डी इक्वल टू रूट एम वन अपॉन रूट एम वन प्लस एम टू रूट एम टू, अब डी इधर ले आइए तो x क्या हो गया x कम्स आउट टू बी एम वन अपॉन रूट एम वन प्लस रूट एम टू टाइम्स क्या हो गया डी हो गया दैट इज द आंसर, और ये x कहां से माने हैं फ्रॉम एम वन, तो ये ध्यान रहे ये लोकेशन लिखना होता है क्योंकि कोई एम टू से निकाल सकता है, क्वेश्चन में कहां से पूछा है ये जरूरी है, तो हम कहेंगे फ्रॉम मास एम वन क्या हो जाएगा रूट एम वन अपॉन रूट एम वन प्लस रूट एम टू, ठीक है अगर एम टू से निकालेंगे तो कितना आएगा रूट एम टू अपॉन एम वन प्लस एम टू आ जाएगा, ये बात समझ में आ गया ठीक, तो ये आंसर हो गया। अब पिछला वाला क्वेश्चन आप वेरीफाई भी कर सकते हैं, एम वन आपका क्या था बताइए 4m था, तो 4m मतलब 2 बाहर आ गया रूट एम फंस गया तो 2 रूट एम और यहाँ पे क्या हो गया 2 रूट एम और प्लस 9 मतलब 3 रूट एम, रूट एम हटा देते हैं रूट एम हटा देते हैं रूट एम क्या जाए 2 बाई 5 आ गया हाँ इंटू डी तो रहेगा 2 बाई 5 डी आ गया यही आ रहा होगा पिछले वाले में 2 बाई 5 डी, तो ये एज ए रिजल्ट है क्या और डी 10 दिया था ना तो वो भी तो रखेंगे 10 मीटर ठीक है तो 4 मीटर आ जाएगा ठीक, तो ये एक स्टैंडर्ड रिजल्ट हो गया इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए आराम से हम अप्लाई कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव है ना, और ये ध्यान रहे हमेशा है ना, अब देखो शॉर्टकट क्या बता रहे हैं हम, अब देखो सीधे कॉम्पिटिशन में इतना नाटक नहीं करने वाले हाँ इससे तो आ ही जाएगा लेकिन इसे भी नहीं याद रखना है, यहाँ देखो क्या याद रखना है ना कंपटीशन के लिए बता रहे हैं बाकी सब्जेक्टिव तो हो गया, देखो जो ये न्यूट्रल पॉइंट होगा ये चूंकि इनवर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करता है ना, तो डिस्टेंस आपका जो मास है ये याद देख रहे हैं ना रूट एम वन अपॉन क्या है रूट एम वन प्लस रूट एम टू है ठीक, तो रूट एम के क्या है जो डिस्टेंस न्यूट्रल पॉइंट आ रहा है रूट एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये वाला पार्ट दोनों में कांस्टेंट आ रहा है, ये बात समझ में आया ना, तो यहां से रूट एम पे है और वहां से ये क्या है रूट एम टू पे है, इसका मतलब ये जो पॉइंट है रूट एम वन रेशियो रूट एम टू है, जो पॉइंट आ रहा है ऐसे देखिए ये जो पॉइंट पी आ रहा है रूट एम वन अगर जिसे एम रेशियो नहीं निकालते थे और रूट एम टू हो गया और ये पूरी डिस्टेंस क्या हो गई जो भी डी है ठीक, तो डी डिस्टेंस को डिवाइड करना है दो पार्ट में किस रेशियो में रूट एम वन अपॉन रूट एम टू में, तो देखिए जिसको डिवाइड करना होता है वो लिखते हैं और ये रेशियो जो डिस्टेंस चाहिए ये डिस्टेंस चाहिए मतलब एपी चाहिए तो एपी इक्वल टू हम क्या लिखेंगे इसका रेशियो रूट एम वन अपॉन सम ऑफ रेशियो रूट एम वन प्लस रूट एम टू रूट एम वन प्लस रूट एम टू ये होता है, और ये डिस्टेंस चाहिए तो ये रेशियो लेंगे क्या लिखेंगे अगर आपको बीपी चाहिए तो बीपी हो जाएगा रूट एम टू अपॉन सम ऑफ रेशियो है ना, ये रेशियो प्रॉपर्टी है मैथ है सिर्फ और कुछ नहीं है, फिजिक्स को एकदम हटा दिया रास्ते से सीधे ऐसे लगेगा, तो जो भी आपको अगर न्यूट्रल पॉइंट निकालना है
आप बड़े आराम से इसका यहाँ जो मास रखा गया उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, वहां मास रखा है उसका स्क्वायर रूट ले लीजिए, और उसी रेशियो में वो पॉइंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा, ठीक। तो वो पॉइंट का लोकेशन आ जाएगा। तो ये शॉर्टकट हो गया, आइडिया याद होनी चाहिए, है ना। बाकी वो फॉर्मूला तो याद रहे ना रहे, पता नहीं कितना फॉर्मूला बनने वाला है। अब हेडिंग डालेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। एग्जाम है ना, साठ चलेगा। देखो ग्रेविटेशनल फोर्स, तो इसमें तीन केस आएगी। पहला केस हम लोग बात करेंगे कि ऑब्जेक्ट अर्थ के सरफेस पे रखा गया है, अर्थ के सरफेस पे रखा गया है ऑब्जेक्ट, तब यहाँ पे कितना ये फोर्स, इसको कितना एक्सेलरेशन फील हो रहा है। दूसरी बात करेंगे हम लोग कि अर्थ सरफेस के, अर्थ सरफेस से एच हाइट पे रखा गया है, यहां से एच हाइट पे रखा गया है, तो किसी एच हाइट पे ये कितना एक्सेलरेशन फील कर रहा है। और तीसरी बात करेंगे हम लोग, जो शिवम को चमक रहा है, लेकिन डायग्राम तो यही बनाना पड़ेगा। अर्थ के अंदर नहीं चमक रहा है, नीचे अर्थ के अंदर हम लोग टनल कर देंगे, है ना, अर्थ के अंदर टनल कर देंगे और हम एच डेफ पे चले जाएंगे, ये मास को यहाँ पे रखेंगे और सेंटर यहाँ पे क्लियर दिख रहा है। हाँ ठीक, तो ये हमने कहा अर्थ सरफेस से एच डेप्थ में चले गए, तो यहाँ पे ये कितना एक्सेलरेशन फील करेगा जो मास है। तो देयर आर थ्री केसेस, और तीनों जगह पे ये कितना एक्सेलरेशन फील कर रहा है इसकी बात करी जाएगी। अर्थ का मास क्या है, से मास ऑफ अर्थ एम ई लिख रहे हैं, ई सफिक्स है कि अर्थ का मास है, तीनों जगह पे वही रहेगा। तो यहाँ पे देखते हैं एक्सेलरेशन निकालने के लिए हमें पहले फोर्स निकालना पड़ेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो हम कहेंगे जो एक्सेलरेशन होगा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास होता है, ठीक है, फोर्स अपॉन मास। फोर्स क्या है, कौन सा फोर्स है, और किस पे एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल रहे हैं इस मास एम का, है ना। और मास एम पे फोर्स कौन लगा रहा है, अर्थ का अट्रैक्टिव फोर्स, ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लग रहा है। तो हम कहेंगे दैट इज वन अपॉन एम, और ये हो जाएगा कैपिटल जी, प्रोडक्ट ऑफ मासेस, मास ऑफ अर्थ और मास ऑफ द ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन सेंटर के बीच की डिस्टेंस। जब पॉइंट मास ना रहे, जब आपके पास पॉइंट मास ना रहे, मास बल्कि हो जाए, साइज बड़ा हो जाए, तब उनके हम सेंटर ऑफ मास को लेते हैं, उनके सेंटर ऑफ मास के बीच की डिस्टेंस देखते हैं। तो इन दोनों के सेंटर ऑफ मास मतलब सेंटर के बीच की डिस्टेंस देखेंगे। तो सेंटर के बीच की डिस्टेंस मतलब रेडियस ऑफ क्या हो गया, अर्थ हो गया, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट की रेडियस बहुत कम होगी, जो 6400 किलोमीटर के रिस्पेक्ट में बहुत ही निग्लेजिबल होगी। तो उसमें हम 6400 किलोमीटर में कुछ ऐड करें, सबट्रैक्ट करें, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। 10 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर अगर कोई लेते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 मीटर भी बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम लोग ये डिस्टेंस क्या लेंगे, सिर्फ आर ही लेंगे, ठीक है। अब देखो ये हो गया आपका फोर्स, ये हो गया मास, ये मास ऑब्जेक्ट का कट गया, तो एक्सेलरेशन ए क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर आ गया। एंड दिस एक्सेलरेशन स्पेशल एक्सेलरेशन है, अर्थ के द्वारा जो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन है, इसीलिए इसे कहते हैं ग्रेविटी, है ना, स्मॉल जी कहते हैं। तो स्मॉल जी क्या होता है, एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, या यूं कहें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स या अर्थ कह लें। तो जो जी की वैल्यू आ गई, इसे ए को हम क्या लिख देंगे, जी लिख देंगे। तो स्मॉल जी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, क्योंकि तीन जगह हम निकालने वाले हैं, तो ये क्या हो गया, जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर हो गया। तो ये हो गया ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन या ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ हो गया, ठीक। अब हम लोग चलते हैं ऊपर, ठीक है, सरफेस के ऊपर। अब क्वालिटेटिवली अभी हम बता दे रहे हैं, यहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ करके बाद में हम लोग इसको जस्टिफाई कर लेंगे कि अगर हम लोग सेंटर से डिस्टेंस देख रहे हैं, सेंटर से डिस्टेंस आर वर्सेस ग्रेविटी की वैल्यू देख रहे हैं, है ना, ग्रेविटी मतलब अर्थ के सरफेस, आर की वैल्यू जब कैपिटल आर के इक्वल होगी,
ये बात समझ में है ना, ये आर के इक्वल है। तो जो ग्रेविटी की वैल्यू आती है वो अगर 9.8 लेते हैं तो 9.8 मान लेते हैं, वो कितना आती है 9.8। ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, जी का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब अगर अर्थ सरफेस से हम ऊपर जाते हैं, है ना, ऊपर जाते हैं तो ग्रेविटी की वैल्यू घटती है, और जो घटती है वो हाइपरबोलिक होती है, इस तरह से घटेगी। ये बात समझ में है ना, इस तरह से घटती चली जाएगी, एसिम्प्टोटिक बिहेवियर होगा, मतलब धीरे धीरे जीरो होती है। आर जैसे से बढ़ाएंगे, मतलब ये यहां से जो बढ़ा रहे हैं वो तो हाइट है ये वाला, तो हाइट जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती चली जाएगी, घटती चली जाएगी। और अगर अर्थ के अंदर सरफेस से अंदर आएंगे तब भी यही होने वाला है, इसका मतलब, लेकिन जो वो वेरिएशन है वो लीनियर होता है, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होता है ऐसे, है ना, तो ये लीनियर वेरिएशन है। तो ये सरफेस पे सबसे मैक्सिमम है, सरफेस के अगर आगे जाते हैं तब भी घटेगी और तेजी से घटेगी, और सरफेस के अगर अंदर आते हैं मतलब अर्थ के सेंटर को अप्रोच करने की कोशिश करते हैं तब भी घटेगी, लेकिन वो वेरिएशन लीनियर होगा, स्ट्रेट लाइन वेरिएशन होगा। तो ये ग्राफ हमेशा याद रहना चाहिए, कई बार ये काम देता है ना। इसका मतलब ये हुआ कि सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो मैक्सिमम होती है, नीचे जाएंगे तब भी घटेगी, रेट थोड़ा कम होगा, और ऊपर जाएंगे तब भी घटेगी, घटने का रेट थोड़ा तेज होगा, ज्यादा होगा, लेकिन घटेगी दोनों तरफ। ये बात समझ में आना। तो अभी सरफेस पे हम लोगों ने दिखाला, जो सरफेस की वैल्यू, इसकी वैल्यू निकाली है 9.8। अगर आप कैपिटल जी की वैल्यू रख दीजिए, मास ऑफ अर्थ नोन होता है, रेडियस ऑफ अर्थ नोन होता है, ये सारी वैल्यू रख के कैलकुलेट करें तो लगभग 9.81 कुछ करके आता है वैल्यू, है ना, तो वो हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे बाद में। अब देखिए ये निकालते हैं ग्रेविटी वैल्यू कहां पे, सेंटर से कितनी डिस्टेंस पे है, नहीं आर प्लस एच हो गया ना। अब ऑब्जेक्ट जो मास है और सेंटर के बीच में, अर्थ के सेंटर के बीच में डिस्टेंस कितना हो गया, आर ई प्लस एच हो गया। तो अब बताइए एक्सेलरेशन कैसे निकलेगा, अब एक्सेलरेशन सीधे जी लिख रहे हैं, जी डैश, मुझे नहीं पता है कि वही जी आने वाला है कि नहीं, तो जी डैश ये क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास, किसका मास, जिस पे हम निकाल रहे हैं स्मॉल एम, और फोर्स क्या हो जाएगा, कैपिटल जी, प्रोडक्ट ऑफ मास, मतलब मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, मतलब आर ई प्लस एच हो जाएगा का होल स्क्वायर। अब ये मास कट जाएगा, और हमेशा जो ऑब्जेक्ट की काइनेटिक्स है, काइनेटिक्स स्पीड हो गया, है ना, एक्सेलरेशन हो गया, ये उसके मास से इंडिपेंडेंट होती है। ये बात समझ में है ना, ये वैसा ध्यान में रहे। इसका मतलब कि अगर ऊपर से हम एक कुंटल का पत्थर गिराएं या एक ग्राम का कोई टुकड़ा गिराएं, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों सेम वेलोसिटी गेन करेंगे जैसे से हाइट नीचे आएंगे, लेकिन दोनों की एनर्जी में डिफरेंस होगा, दे हैव द डिफरेंट काइनेटिक एनर्जी, दे हैव द डिफरेंट पोटेंशियल एनर्जी, तो एनर्जी डिफर कर जाएगी बिकॉज ऑफ मास, लेकिन उनकी काइनेटिक्स नहीं डिफर करने वाली है, मास से इंडिपेंडेंट होती है। खैर, तो देखिए मास कट भी गया तो एक्सेलरेशन आ गया, आपको लिख देंगे आप जी क्या हो गया, एम ई अपॉन आर ई और प्लस एच का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अब ये बताइए अगर हम यहाँ इस ब्रैकेट से आर ई कॉमन कर ले, फोर्सफुली कॉमन करने का मतलब इन दोनों को डिवाइड कर दे आर ई से, है ना, तो क्या हो जाएगा, दैट कम्स आउट टू बी कैपिटल जी एम ई अपॉन आर ई। अब अंदर से तो आर ई कॉमन कर लेकिन स्क्वायर भी लग लेगा, तो आर ई स्क्वायर हो जाएगा, अंदर क्या हो जाएगा, वन प्लस एच अपॉन आर ई हो जाएगा का होल स्क्वायर। ये बात समझ आई, और ये ध्यान दीजिए ये क्या है, ये वाली बात, ये सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू है वो है ना। तो जी डैश को आप क्या लिखोगे, जी डैश को लिखोगे जो सरफेस पे ग्रेविटी है अपॉन क्या हो जाएगा, वन प्लस एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, जी डैश इक्वल्स टू जी और ब्रैकेट में लिख दें वन प्लस एच अपॉन आर ई की पावर, ऊपर ले गए हैं तो माइनस का टू हो गया। अब एक अप्रोक्सीमेशन यूज करने वाले हैं जो फिजिक्स में बहुत बार यूज होता है। अगर आपको ये कहा जाए कि 1 प्लस एक्स की पावर एन, एक्स की पावर एन, अगर एक्स 1 से बहुत छोटा है, अगर ये इंश्योर हो पाता है कि एक्स 1 से बहुत छोटा है, तो इसको आप अप्रोक्सीमेटली लिखते हो 1 प्लस एन एक्स, एन इंटू एक्स इसकी वैल्यू आती है।
ये बात समझ में आया ना। लेकिन गारंटी क्या होना चाहिए कि x की वैल्यू एक से बहुत छोटी होनी चाहिए। तो n कुछ भी हो, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 प्लस nx के लगभग क्या होगा, इक्वल। अब x जितना छोटा होगा ये उतना एक्यूरेट आएगा, x जितना बड़ा होगा ये उतना थोड़ा सा उसमें, हाँ उसमें जो एरर है उतना बढ़ता चला जाएगा। ये बात समझ आया ना। अब यहां देखिए कुछ मामला वैसा ही है, हाइट 100 मीटर 50 मीटर 200 मीटर ऐसे होगा, 1 किलोमीटर और ये 6400 किलोमीटर। तो अगर 100 मीटर भी कहते 100 पॉइंट 64 एक बाई 64 बहुत एक से छोटा हो गया ना, 1/64 बहुत छोटा हो गया। तो हम ये बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो जब बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करेंगे तो जी डैश इक्वल टू क्या आ जाएगा, जी टाइम्स 1 माइनस क्या हो जाएगा 2, यहां आ जाएगा माइनस का 2, माइनस 2 एच अपॉन आर ई हो जाएगा। ये हो गया वेरिएशन ऑफ ग्रेविटी जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे। अब देखिए इसका जब ग्राफ प्लॉट करेंगे, अगर एच जीरो रख दीजिए तो बताइए किसके इक्वल आ रहा है, जी के इक्वल आएगा। तो देखो ये है, एच जब जीरो रख दे रहे हैं, एच जीरो है मतलब हाँ सरफेस पे है, अर्थ के सरफेस पे है, ये बात समझ में है ना। और अगर हम लोग बढ़ा दे, निगेटिव स्लोप है ना, देखो क्या कर रहा है ये, जी डैश घट रहा है ना। अगर हम ग्राफ खींचे इसका, जी डैश इक्वल्स टू जी माइनस क्या हो जाएगा, टू जी बाई आर ई इंटू क्या हो गया, एच हो गया। तो अगर जी डैश के बीच में ग्राफ खींचे, सपोज देखो हम जी वर्सेस हाइट के बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, ध्यान रहे कि किसके बीच में ग्राफ खींच रहे हैं, वो ग्राफ आर के बीच में था, सेंटर के बीच के डिस्टेंस था, लेकिन यहाँ हाइट के बीच में सरफेस से देख रहे हैं। तो अगर एच जीरो रखेंगे तो ये जी डैश किसके इक्वल आएगा, जी के इक्वल आएगा। लेकिन जैसे जैसे एच बढ़ाएंगे हम, है ना, क्या हो रहा है देखो, ये निगेटिव स्लोप है, टू जी बाई आर ई निगेटिव स्लोप है। इसका मतलब कि ये क्या होगा, घटेगा, घटते 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 एक टाइम कोई हाइट आएगी जहां पे ये क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो ये ग्राफ किसके बीच में हो गया, दैट इज द जी डैश ग्रेविटी की वैल्यू जैसे सरफेस के ऊपर जा रहे हैं और एच सरफेस से हाइट। ये बात समझ में आया ना। तो ये भी ग्राफ, लेकिन ये प्रूविंग याद रखिए, डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है बोर्ड के लिए, पूछा जाता है। ये बात समझ में आया ना किसके बीच में रिलेशन। लेकिन यहां के बाद या यहां के बाद यहां आने में हमने एक चीज यूज करी है, सपोज हम कह दिए कि हम ले लिए अपना मिसाइल को छोड़ दिए यहां से, अब मिसाइल चली गई 5000 किलोमीटर ऊपर, अब हम ये अप्रोक्सीमेशन यूज नहीं कर सकते। लेकिन यहां सही है, यहां तक सही है, लेकिन यहां से यहां नहीं आ सकते हैं क्योंकि अब अप्रोक्सीमेशन हम यूज नहीं कर सकते हैं। अप्रोक्सीमेशन तभी यूज करेंगे जब 100 मीटर 50 मीटर 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चल जाएगा, अप्रोक्सीमेशन 100 मीटर चल जाएगा। लेकिन जहां अर्थ के रेडियस के आधी हो जाए, 1/4 हो जाए, 1/10 हो जाए, जहां जो हाइट है वो रेडियस के कंपेयर होने लगे, 1/10 है, 1/16 है, हाफ है, इक्वल है, वहां पे सिर्फ हम ये फॉर्मूला ऑलवेज वैलिड करेंगे, नीचे वाला हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन नीचे वाला हमेशा इस्तेमाल करेंगे तब जब हाइट बहुत छोटी है। ये बात समझ में ना। तो एज ए डेरिवेशन एज ए न्यूमेरिकल कैसे इस्तेमाल करना है समझ में आ गया। अब हम चलते हैं इस वाले पे, ठीक, कि अर्थ के अंदर जाएंगे अगर टनल करके तब ग्रेविटी कैसे चेंज हो रही है और क्यों चेंज हो रही है वो देखेंगे हम लोग। इधर मिटा दें कि नोट करना है, ठीक, तो हटा दे रहे। देखो सर अब रेगुलर क्लास का टाइम यही रहेगा। नहीं चलो बता देंगे। देखो तो रोक दो उसको, तुम्हें रोक दो, पूछ ही लो। अब देखिए अगर हम टनल बना के अंदर जाते हैं, ठीक है, तो जो टनल का पूरा मास है, अब ये दो पार्ट में मास बढ़ जाता है। अगर यहां से आप इसको सेंटर मान के एक स्फीयर खींच ले, ये स्फीयर खींच लिया हम लोगों ने, तो इस मास पे, ठीक है, जो फोर्स लगाने वाला मास है, सिर्फ जो इनक्लोज्ड मास है वो फोर्स लगाएगा, और जो मास आउटसाइड ऑफ दिस सर्कल है या स्फीयर है वो मास इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। लेकिन यहां से और यहां से ये न्यूट्रलाइज होते चले जाएंगे, मतलब उनका फोर्स कंसीडर नहीं किया जाएगा। सिर्फ कौन सा मास फोर्स लगाएगा, जो ये इनक्लोज्ड मास है।
इस पॉइंट और सेंटर ऑफ अर्थ को ज्वाइन करके जो हम लोग स्फीयर खींचेंगे उसके अंदर जो भी आएगा मास, जो भी पार्टिकल्स आएंगे वो उसके ऊपर नेट फोर्स लगाएंगे। अब पूरी अर्थ का पूरा मास फोर्स नहीं लगाएगा, तो समस्या ये हो गई कि ये मास निकाला कैसे जाए। अभी एम डैश मान लेते हैं, बाद में निकाल लेते हैं हम लोग, इसे एम डैश मान लेते हैं। अब ये मास ऑफ अर्थ से कम होगा, जाहिर सी बात है, क्योंकि ये सारा मास क्या हो गया, बाहर हो गया, वो फोर्स नहीं लगाने वाला है, उसका नेट फोर्स कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो हम कहेंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है या एक्सेलरेशन जो फील करेगा, एक्सेलरेशन जी डैश कह दे, तो जी डैश इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, फोर्स मतलब जी मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, मास जो लगा रहा है फोर्स अर्थ का जो पार्ट है, अपॉन डिस्टेंस बिटवीन, है ना। अब देखो ये पूरा रेडियस ऑफ द अर्थ है, हाइट सबट्रैक्ट कर दे तब ना ये डिस्टेंस आएगा इनके बीच में, तो आर ई माइनस क्या हो गया, एच हो गया, आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर, और फोर्स हो गया अपॉन क्या कर दे, जिसपे मास एम कट जाएगा। अब जी डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा, जी एम डैश अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अब इसे इक्वेशन छोड़ देते हैं, एम डैश का हिसाब किताब करना है, तो एम डैश मास है किसका, इस वाले स्फीयर का, जिसका रेडियस क्या है, आर ई माइनस एच है। तो हम कहते हैं कि अगर हम अर्थ का डेंसिटी निकाल लें, तो डेंसिटी यूनिफॉर्म अगर माने, जो फैक्ट है नहीं लेकिन थियोरेटिकली क्या मानना पड़ेगा, यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा, ठीक है, कि अर्थ का रेडियस अगर यूनिफॉर्म मान लें डेंसिटी, तो हम क्या कहेंगे, डेंसिटी कैसे निकलेगा, मास अपॉन मास ऑफ द अर्थ अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब 4/3 पाई रेडियस ऑफ द अर्थ, आर ई का क्या हो जाएगा क्यूब। ये क्या हो गया, मास हो गया अर्थ का और ये वॉल्यूम हो गया अर्थ का, तो ये अर्थ की डेंसिटी आ गई। अब कितने, ये डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर दें, वॉल्यूम किसका, जो ये इनक्लोज्ड है, जो सेट किया है हमने उसका वॉल्यूम। अब वो एक स्फीयर है, तो स्फीयर मतलब 4/3 पाई, लेकिन उसका रेडियस अलग है, वो क्या है, आर ई माइनस एच का होल क्यूब। ये बात समझ में आया ना, 4/3 पाई आर क्यूब हो गया, ये बात समझ आ गया। तो ये आ गया, ये हो गया आपका डेंसिटी और ये हो गया वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इंटू डेंसिटी क्या हो गया, मास मतलब एम डैश हो गया, जो हम सेट किए हैं। अब देखिए कैलकुलेशन खटाखट करिए, 4/3 पाई 4/3 कट गया, है ना। अब ये क्या हो गया, सिर्फ हो गया आपका, ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर देते हैं, तो जी डैश कितना आ जाएगा, जी डैश बिकम जी और क्या हो जाएगा, एम डैश यहाँ पे एम ई अपॉन हाँ आर ई का होल क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा, आर ई माइनस एच का होल क्यूब हो जाएगा। ये बात समझ में आ गया, और कुछ है यहाँ पे, ये था ना होल स्क्वायर, तो ये हो गया अपॉन आर ई माइनस एच का होल स्क्वायर। अब देखिए तीन ब्रैकेट थी, दो ब्रैकेट सही हो गई, तो बची एक ब्रैकेट, तो ये वेरिएशन बड़ा साफ साफ है, तो जी डैश इक्वल्स टू क्या हो गया, जी एम ई अपॉन आर ई का क्या हो गया होल क्यूब, और ब्रैकेट में क्या हो गया, आर ई माइनस एच हो गया। अब देखिए ये बात समझ आ गया, अब ये भी डेरिवेशन है, यहां बिना अप्रोक्सीमेशन के एच के क्या आ गया, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया। अब इसका ग्राफ खींचा जाए, तो इसका भी ग्राफ खींचा जा सकता है, कैसे, हाइट वर्सेस या डेप्थ वर्सेस सरफेस से जो डेप्थ है वर्सेस जी डैश, तो जब एच जीरो है तो बताइए क्या आ रहा है, जी एम ई आर ई एक कटेगा, तो जी एम ई अपॉन आर ई का क्या हो गया, होल स्क्वायर हो गया। अच्छा एक चीज और देखो, इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दें, ठीक है, इसको मॉडिफाई कर देते हैं हम, क्योंकि सरफेस पे जो जी है उससे हम कंपेयर करके लिखते हैं हमेशा, है ना, तो जो सरफेस पे जी है वो दिख रहा है, इसको लिख देंगे हम जी डैश, और इसको लिख दे रहे हैं जी एम ई अपॉन आर ई का स्क्वायर इंटू 1/r, है ना, ये अलग कर दिया, और क्या है आर ई माइनस, तो ये हिसाब, ये क्या दिख रहा है, सरफेस पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है, तो जी डैश इक्वल टू जी टाइम्स, इसको अंदर कर दे, तो आर ई अपॉन आर ई 1 h अपॉन आर ई माइनस h अपॉन क्या हो गया, आर ई हो गया। तो ये ग्रेविटी की वैल्यू हो गई, कंपैरिजन हो गया सरफेस और जो अंदर जाएंगे, ये बात समझ आ गया ना। अब ग्राफ अगर खींचना चाहे हम, जी डैश वर्सेस
डेप्थ। अब देखो एच अगर जीरो रखेंगे तो जी के इक्वल आएगा, है ना, लेकिन स्लोप निगेटिव है। स्लोप कितना आ रहा है, जो एच का कोफिशियंट होगा कितना, माइनस जी अपॉन आर ई। निगेटिव स्लोप का मतलब ऑब्ट्यूस एंगल लाइन बनाएगी, इस तरह से घटता चला जाएगा, ठीक है। अब देखो ये जीरो कब होगा, ये फिक्स है जब हम इसकी वैल्यू एच की वैल्यू आर ई के इक्वल कर दे, रेडियस ऑफ अर्थ के इक्वल कर दे। अभी बताओ जब तुम सरफेस से चलोगे रेडियस के बराबर तो कहां पहुंच जाओगे, सेंटर पहुंच जाओगे। इसका मतलब कि सेंटर पे जो ग्रेविटी की वैल्यू होती है वो क्या होती है, जीरो। और अगर ग्रेविटी ग्रेविटी की वैल्यू जीरो है और आपको कोई सेंटर पे प्लेस कर दे तो आपका वेट क्या होगा, मास इनटू ग्रेविटी, लेकिन ग्रेविटी तो जीरो है तो आपका वेट क्या हो गया, मास कुछ भी रहे आपका वेट क्या हो गया, जीरो। तो आपका कोई भी मास हो लेकिन अर्थ के सेंटर पे आपका वेट क्या हो जाएगा, जीरो, मतलब अर्थ आपके ऊपर फोर्स नहीं लगाएगी। बस समझ आया ना, तो वो यही से पता चल रहा है। तो हम कहेंगे ये जो वैल्यू हो गई वो हाइट किसके इक्वल हो गई, रेडियस ऑफ द अर्थ के इक्वल हो गई, जहां पे जीरो हो। तो ये ग्राफ हो गया जी डैश वर्सेस, है ना, एच। एच कहां से है, सरफेस से। ये बात समझ आ गया। तो ये तीनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, सरफेस पे, सरफेस के ऊपर, सरफेस के अंदर, ठीक है। हाँ भाई, मतलब सरफेस के अंदर सेंटर थोड़ी ना, जरूरी थोड़ा सेंटर में,